आज की मेरी इफ्तारी की मेन डिश है कस्टर्ड, रेनबो कस्टर्ड। ऑब्वियसली मेरी मम्मी को मल्टी कलर बहुत पसंद है, तो आज की इफ्तारी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरी बहन भी हमारे साथ इफ्तारी पे, जब से रमज़ान शुरू हुआ तब से पहली बार, तो मुझे उसके लिए स्पेगेटी बनानी है। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस, मुझे पता है मेरा ज़्यादा फोकस मेरे वो चाइना ग्रास वगैरह पर रहेगा क्योंकि मुझे मल्टी कलर के साथ खेलना है। तो इन्जॉय करो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज, मैंने ये स्पेगेटी के लिए पानी बॉयल होने रखा है ऑयल और नमक डाल के, और वही दूसरी जगह चिकन बॉयल होने रखा है पानी और नमक डाल के। और ये है हमारा खस का सिरप जो मैं ग्रीन कलर के लिए यूज़ करूँगी, रू अफजा जो मैं रेड कलर के लिए यूज़ करूँगी, रॉयल ब्लू एंड वॉयलेट कलर ये भी हमारे रेनबो में होता है, और ये मस्क मेलन कलर है जो मैं ऑरेंज के लिए यूज़ करूँगी, और येलो फूड कलर ये है अगर अगर पाउडर जिसको हम चाइना ग्रास भी बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले पानी में अगर अगर पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, आप मेजरमेंट वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। ये पानी गिरा, इसको मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा एक चुटकी जितना सॉल्ट डाला है, और फिर स्टर करके मैंने इसे बॉईल करने रखा। और जैसे आप पीछे वाले बर्तन में देख सकते हैं वहाँ मेरे स्पेगेटी का पानी गर्म हो रहा है, और मैंने उसमें स्पेगेटी डाल दिया क्योंकि मेरा फोकस उस पर नहीं था, मेन फोकस मेरा चाइना ग्रास पे था। और जैसे ही चाइना ग्रास बॉयल होता जाता है एक स्टेज पे आपको उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती समझ में आएगी। तो उसके बाद में 5 मिनट्स मैंने उसको और पकाया, और फिर गैस बंद करके मैंने उसको साइड में ले लिया। और फिर फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं रंगों के साथ खेलना शुरू करती। तो सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन कलर जो कि एक खस का शरबत, इसमें ऑलरेडी अपना शुगर होता है तो मैंने चाइना ग्रास में शुगर ऐड नहीं किया हुआ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने उसको साइड में रख दिया, और हमें हर कलर के टाइम पर ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि इसमें बबल्स ना हो। फिर मैंने लिया रेड कलर जो कि हमारा रू अफजा, ये भी काफ़ी मीठा होता है तो मैंने इसके लिए भी शक्कर ऐड नहीं की, मज़ा तो आगे आएगा। आपको सारे बबल्स को पॉप करना होता है गाइस, बबल्स के साथ मत रखना। और ऑरेंज कलर के लिए मैंने मस्क मेलन लिया है, मस्क मेलन क्रश जो मैंने पहले दिखाया था, बट वो प्रॉपर ऑरेंज नहीं था इसलिए मैंने उसमें फूड कलर डाला। वैसे तो आई नो कि फूड कलर्स हार्मफुल होते हैं, बट अगर एक लिमिटेड क्वान्टिटी में यूज़ किया जाए तो कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होती। और नेक्स्ट कलर था हमारा रॉयल ब्लू, ये केक का जेल कलर था, मैंने जो सिर्फ 2 ड्रॉप्स डाले, और ये इतना सेटिस्फाइंग था, ये सारे कलर्स के साथ खेलना इतना सेटिस्फाइंग था। अब असल मज़े की बात गाइज ये है कि इसमें मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, फूड कलर्स में अपना शुगर नहीं होता, और मुझे रॉयल ब्लू वॉयलेट और लेमन कलर यूज़ करने से पहले मुझे चाइना ग्रास में शुगर डालना था जो कि मैं भूल गई। और मैं व्लॉग बनाऊँ और गलती ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना गलत कैसे हो सकता भाई। सो गाइज, ये टेस्ट में इतना बुरा नहीं लग रहा था शक्कर ना होने की वजह से, बाकी तीनों जो फ्लेवर्स थे उनके अपने अपने शुगर थे और ये सब मैंने मिक्स किया था, तो इसका टेस्ट काफ़ी बैलेंस्ड हो गया था आप समझ जाओ। और जितने प्यारे प्यारे कलर्स ये बने हैं, जितने प्यारे लग रहे हैं मल्टी कलर, मेरे मासी लोग का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये चीज़ मेरी मम्मी को कितनी पसंद आई होगी। मेरे ट्रांसपेरेंट का बोल बनने तक ये सारे कलर्स सेट हो चुके थे, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो, वॉयलेट एंड हमारा रॉयल ब्लू। मैंने मिल्क बॉयल होने रखा था जिसमें मैंने सबसे पहले पाउडर शुगर डाली और उसको अच्छे से मिक्स होने दी, फिर उसके बाद में मैंने उसके अंदर मिल्क पाउडर डाली, इससे हमारा मिल्क जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा और मिल्क में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। जो हमारा बचा हुआ चाइना ग्रास था मैंने उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसको एक बॉईल करके फिर मैंने हमारे बॉइल्ड मिल्क में डाली, और बहुत स्लोली डाली ताकि कोई लम्ब्स वगैरह ना हो, कोई चीज़ का टेंशन ना हो। और ये अच्छे से जब ये मिक्स हो गया तो मैंने इसको निकाल के साइड में रखा ठंडा होने के लिए, विच मीन्स कि रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रखा क्योंकि मुझे उसे सर्व करना था। तब तक मैंने अपने सारे चाइना ग्रासेस को अलग अलग शेप में कट करने का सोची, मैंने ब्लू कलर, वॉयलेट कलर और ग्रीन कलर को सर्कल शेप में कट करी, और जो इससे बची हुई जो डिज़ाइन थी उसको भी रैंडमली कट कर दी, और ये कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ और ये इतना सेटिस्फाइंग था। मुझे इतना पता है कि मैं ऐसे बार बार बनाने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे बनाने में भी मज़ा आया और ये खाने में भी मुझे उतना ही मज़ेदार लगा, और ये खेलने में तो और ज़्यादा मज़ा आया। और मल्टी कलर तो मेरी मम्मी का फेवरेट है तो वो मुझे मना भी नहीं करेंगे बार बार बनाने से।
ये ट्रांसपेरेंट हमारा लास्ट कलर था। इसके बाद में मैंने सर्विंग स्टार्ट करी, सर्विंग के लिए डेकोरेशन स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर में अपनी मर्जी से डेकोरेशन की। आप भी जैसे चाहो इसको डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे चाहे शेप्स में रख सकते हो। और जब सब डेकोरेशन डालकर हो गया तब तक मेरा मिल्क भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका था। मैंने धीरे धीरे इसमें उसको डालना स्टार्ट किया ताकि इसमें कोई भी बबल्स ना आए, और जो भी मैंने फूड कलर्स वगैरह सब यूज़ किया है उसका अपना अपना कलर मिल्क में छूटना स्टार्ट ना हो। इसके लिए मैं उसको स्पीड में नहीं डाल रही थी क्योंकि ब्लू कलर, रूह अफ़ज़ा ये सब अपना अपना कलर छोड़ते तो ये अजीब कलर हो जाता है। इसलिए मैंने एकदम पेशेंटली एकदम कामली किया। और गाइस इसके बाद जितने भी बबल्स आए मैंने उन सबको पॉप करके इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया इफ्तारी तक। और फिर मैंने स्पेगेटी बनाना स्टार्ट किया, उसको कैसे भावना दूँ, ये मेरी बहन का फेवरेट है वैसे। मैंने ऑयल में सबसे पहले ग्रीन चिली पेस्ट डाला है और फिर इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स डाली सौते होने के लिए और उसको अच्छे से मिक्स किया। और मैं पूरा टाइम बनाते हुए मैं यही सोच रही थी कि मुझे नूडल्स को, जो हमारी स्पेगेटी नूडल्स है उनको बिना तोड़े सबको अच्छे से मिक्स करना है, और वो मैं कैसे करूँगी क्योंकि मुझे उस चीज़ को बिल्कुल भी हैंडल करने नहीं आता। नमक और जिंजर पाउडर अभी मैंने यहाँ पर डाला है, उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से मिक्स की प्रॉपरली। और उसके बाद में बारी थी बॉइल्ड चिकन डालने की, और उसके बाद में मैंने इसको थोड़ी देर पकाया और फिर इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है, ब्लैक डार्क सोया सॉस। और मैं हर वक्त यही सोच रही थी कि अब बारी आएगी नूडल्स डालने की, अब बारी आएगी नूडल्स डालने की। मैं लिटरली स्किप करने वाली थी उसके आगे का शूट करना, और फिर मैंने फाइनली नूडल्स डाले। जब ये रॉ था तब मुझे इसकी क्वांटिटी का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे। और ये जो स्पून अभी आप देख रहे हो जिसे मैंने मिक्स की हुई है, इसका ख्याल मुझे पहले नहीं आया, वरना मैं इतना टेंशन लेती ही नहीं। और मैं इस टेंशन में इतनी गुम हो गई थी कि जब मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला मैंने वो शूट ही नहीं किया, और फाइनली मेरे स्पेगेटी रेडी थे बिना टूटे। खुशी देखो ये जेली बोलू क्या बोलू, जेली बॉल्स बोलू, काटने वाला तो ये क्या हो रहा है। अल्फा को रोजा लग गया, अल्फा को रोजा लग गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी छठी इफ्तारी। अल्लाह हर घर के हर दस्तर को शादाबाद रखे, सबके दुख दर्द तकलीफें परेशानियां दूर करे, और जो मेरी तरह बीमार है अल्लाह उन सब को शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज हमारी इफ्तारी पे हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट है। रमजान शुरू होने के बाद में आज पहली इफ्तारी पर, वरना हर इफ्तारी रास्ते आमीन। पहला हमें कयामत के दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। आमीन। पहला हमें कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन। पहला तू अपनी